Hi guys, I'm Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. I'm just back from a trip. और जब मैं ट्रिप से आती हूँ हमेशा मेरा गला खराब होता है और ये रिचुअल अभी भी चलता आ रहा है. मेरा अभी भी गला खराब हो चुका है. बट क्या हुआ ना, मैं कल सुबह ही आई थी और मैं अनपैक कर रही थी, सारा सामान निकाल रही थी. एंड देन आई थॉट, जब मैं ये दोनों चीज़ें अनपैक कर रही थी कि वाई नॉट फिल्म अ वीडियो, बिकॉज आई थिंक मैंने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि जब भी आप ट्रिप पे जाओ तो आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए. मैं पर्सनली दो पाउचेस रखती हूँ. एक होता है टॉयलेट्रीज का, स्किन केयर का, जो मैं वॉशरूम में लेकर जाती हूँ, और एक होता है मेकअप का, जिसके अंदर सारा मेकअप का एसेंशियल होता है. और मैंने अभी बिल्कुल भी अनपैक नहीं किया, तो एकदम रियल एएफ होने वाला है कि इस बार जब मैं ट्रिप में गई थी तो मैंने क्या क्या कैरी किया था. अगर आप भी कोई माउंटेन्स में ट्रिप ले रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मिस आउट कर जाते हैं. सो आई थॉट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. आपको चीजों का लिंक भी मिल जाएगा, एट द सेम टाइम आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी जो आप रेफर कर सकते हो इस वीडियो से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं खोलने वाली हूँ ये वाला पाउच. ये मुझे पीआर में ही आए थे, ये मैंने परचेज किया था. ये मुझे किसी हिमालय के पीआर में आया था. ये कॉटन का लाइक कपड़े का ऐसा पाउच है. हमेशा मैं एक कशिका ज्ञान देना चाहती हूँ, कभी भी आप ट्रैवल करो ऐसे ही क्या करो, टॉयलेट्रीज और स्किन केयर का अलग, मेकअप का अलग. बिकॉज जब आप रूम शेयर करते हो, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ गई थी, हम चार लड़कियां एक वॉशरूम यूज कर रही थी, तो बहुत कम टाइम होता है. तो आप टॉयलेट्रीज का लेके जाओ जिसमें आपने अपना बेसिक एसेंशियल ग्रूमिंग का यूज कर लिया, और बाहर आके फिर आप मेकअप का अलग से यूज कर सकते हो. सबसे पहले ये वाला देखते हैं, पूरा स्टफ्ड है ऊपर तक. एंड बिफोर वी बिगिन, यू नो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करो इफ यू आर न्यू हियर. मेरी वीडियोस काफी काम आती है यार, तो डेफिनेटली ये भी आपके कहने की काम आने वाली है. सो सबसे पहले है हमारे पास ये हेयर बैंड जो मैं हमेशा रखती हूँ. कभी भी आप वॉशरूम में फेस वॉश करो, कुछ भी करो, छोटे हेयर होते हैं ना जो इधर उधर आते रहते हैं, फिर बार बार बाल गीले हो जाते हैं. सो हमेशा मैं ये हेयर बैंड रखती हूँ ताकि मैं फटाफट ऐसे लगा लूँ और फिर मैं अपना स्किन केयर जो भी फेस वॉश एंड ऑल करना होता है. सेकंड, आई हैव दिस लेंस सॉल्यूशन रेनो का, जो मैंने छोटा लिया हुआ है, रिनो रेनो आई डोंट नो, ये बॉश एंड लॉम का है. मैं खाली यही यूज करती हूँ. आई वेयर कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, नॉट कलर्ड, पावर्ड वाले मैं लेंसेज पहनती हूँ. बिकॉज जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ लेंसेज पहन लूँ, फिर मैं शेड्स लगा लेती हूँ धूप से बचने के लिए. स्पेक्स मैं रात को आके लगा लेती हूँ. सो आई ऑलवेज कीप दिस. मैं इसको अपने बैकपैक में भी रख लेती हूँ, जब मैं निकलने वाली होती हूँ, कहीं जाना होता है, मैं इसको बैकपैक में डाल लेती हूँ. सो दैट अगर लेंस कुछ खराब हो गया, फिर ड्राई होना शुरू हो गया, थोड़ा सा उसको वेट किया, दोबारा लगा लिया, ताकि थोड़ा सा और वो लंबे टाइम के लिए चल पाए. सो ये पैकेजिंग मुझे एकदम परफेक्ट लगती है. सेकेंड, आई हैव दिस पैकेट जिसमें से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, बिकॉज मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी दी थी. सो मैं इसके अंदर डाल के रखती हूँ ये क्यू टिप्स, आप देख सकते हो इसके अंदर ईयरबड वाली टिप्स हैं, और इसके अंदर कॉटन पैड्स हैं. मैं बहुत सारे कॉटन पैड्स लेके गई थी, बिकॉज काफ़ी बार डस्ट रिमूव करनी होती है, टोना लगाना होता है, माइसरा वाटर से मेकअप रिमूव करना होता है, तो चाहिए ही होते हैं. सो मैं ऐसा कोई पैकेट लेती हूँ, उसमें ये डाल के रख देती हूँ. क्यू टिप इसलिए चाहिए होती है, काफ़ी बार मेकअप खराब हो जाता है, या फिर जब हम रात को काजल रिमूव करते हैं. मैं ऑयल क्लेंजिंग तो लेके नहीं जाती, मैं ऐसे ऑयल नहीं रखती इसके अंदर, क्योंकि लीक हो गया कुछ भी हुआ ना तो सारा मेसअप हो जाता है. तो मैं माइसरा वाटर को ही इस क्यू टिप में डिप करके अपना सारा काजल रिमूव कर लेती हूँ, तो वो कन्वीनियंट रहता है. सेकेंड, आई हैव दिस टूथब्रश होल्डर विच इज़ वेरी क्यूट. मेरी फ्रेंड्स ही पूछ रही थी कहाँ से लिया, बिकॉज टूथब्रश क्या होता है, हमारा गीला हो जाता है. जब आप गीले टूथब्रश को ऐसे पाउचेस में रख देते हो ना, सारा वो अजीब सा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, सब कुछ गीला गीला हो जाता है. सो मैं ये होल्डर हमेशा ट्रैवल के टाइम रखती हूँ, ये इसी में ही रहता है. ये ब्रश मेरा ट्रैवलिंग वाला ब्रश है, ये मैंने एक नॉर्मल ब्रश लिया हुआ है. सो बेसिकली आप इसको यूज़ करके इसमें डाल सकते हो, ऐसे पूरा बंद हो जाता है, एंड इट हैज होल्स राइट हेयर, कैन यू सी. तो इससे हवा पास होके वो सारा ड्राई भी हो जाता है. आप कभी जाओगे होटल से कहीं भी, आपको ऑब्वियसली स्टैंड नहीं मिलने वाला जहाँ आप रखोगे, और टूथब्रश को ऐसे रख देना थोड़ा सा अनहाइजीनिक होता है. तो ये सही रहता है, आप इसको ढक के ऐसे रख दो, वो ड्राई भी हो जाता है और गंदा भी नहीं होता. काफी क्यूट इसमें टेडी बेयर का डिजाइन है. मैंने आई थिंक ये अली एक्सप्रेस एंड ऑल से लिया था, लेकिन ये आपको अमेजोन पे डेफिनेटली मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक कर दूंगी. सो डू बाय दिस वन, दिस इज वेरी गुड. सेकेंड, आई हैव द स्विंग किट जो है सोलोना रिजॉर्ट की. जब जिम कॉर्बेट में हम गए थे दो तीन पता नहीं कितने साल पहले, आप कभी कोई लग्जरी होटल में जाओगे ना, आपको ऐसी स्विंग किट्स मिलती हैं और ये काफी काम आती है. तो मैंने अपने पास रखी हुई है. इसके अंदर मैंने अपना कंप्रेस टिश्यू भी एक डाला हुआ है. आई ऑलवेज कैरी सच टिश्यू. सो ये बेसिकली क्या होते हैं, कैप्सूल होता है, आप इसको निकालोगे, इस पर आप माइसला वाटर पानी कुछ भी डालो, एकदम ऐसे एब्जॉर्ब कर लेते हो और एक वेट टिश्यू बन जाता है. सो आई ऑलवेज कैरी दिस, अगर मुझे अपने माइसला वाटर के उसके ऊपर डाल के मेकअप रिमूव करना होता है तो काफ़ी हैंडी रहता है. और ये जो स्विंग किट है ये बेसिक ऐसे होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ अगर आपको नहीं पता. इसके अंदर आपको ऐसे ये बेसिक साइज मिलता है, जिसके अंदर कुछ धागे होते हैं, कुछ नीडल होती हैं, एक दो एक सेफ्टी पिन होती है. और अगर आपकी नहीं ले सकते तो ऑब्वियसली आप अपनी खुद की बना सकते हो. आप छोटा सा एक पाउच लो, उसके अंदर आप एक नीडल, एक कोई भी कलर का थ्रेड और थोड़ी सी सेफ्टी पिन डाल के रखो. यू नेवर नो, आपका कहीं बटन टूट जाए, कोई इमरजेंसी हो. तो आई थिंक ये चीज़ें हमेशा हमें कैरी करके चलना चाहिए.
सेकेंड आई हैव माई माइसेलफ वाटर, मैंने स्मिटन से या फिर मुझे पी आर में आया था, आई डोंट नो, लेकिन स्मिटन पे आपको डेफिनेटली ट्रायल मिलते हैं बायोडर्मा के, तो आप ये ले सकते हो. 1 या 2 ट्रायल पॉइंट के होते हैं. दिस आउट लुक्स लाइक काफी टीनी टाइनी सी बायोडर्मा की पैकेजिंग है. ये मेरी काफी पहले खाली हो गई थी, अब मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना, मैं अपना माइसेलफ वाटर इसमें डाल लेती हूँ पोर करके, और काफी ईजी रहता है, ईजिली मैं यूज कर लेती हूँ. और इतना माइसेलफ वाटर आई थिंक 2 से 3 दिन आपका चल जाता है. 3 नाइट्स को आपको रिमूव अगर करना हो तो ये इतने क्वांटिटी आपकी चल जाती है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट ऑन स्मिटन. स्मिटन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगी. आई लव दैट एप्लीकेशन. सेकंड आई हैव माय एक्ने पैचेस. मैं ट्रिप पे जब भी जाती हूँ ना, मैं एक्ने ट्रीटमेंट्स नहीं यूज करती, लाइक सैलिसिलिक एसिड का सीरम, वो भी पीलिंग सोल्यूशन टाइप हो गया, वो मैं ट्रिप्स पर नहीं यूज करती बिकॉज सन एक्सपोजर काफी हाई होता है एंड ये कोई टाइम नहीं है एक्ने को ट्रीट करने का. बट आई ऑलवेज कैरी दिस जो है एक्ने के पैचेस, ये हमेशा काम आते हैं. कोई भी आपको एकदम ब्रेकआउट हो जाए, आप रात को लगा लो, सुबह रिमूव कर दो, या फिर आप लगा के भी घूमने जा सकते हो. एटलीस्ट आप बार बार उसको टच नहीं करोगे, उसका बैक्टीरिया स्प्रेड नहीं होगा. ये फ्रॉम द ब्रांड स्पॉट पैच करके एक ब्रांड है, अमेजोन पे मैंने फीचर भी की थी उसका है ये, मैं नीचे लिंक कर दूंगी. अमेजिंग स्पॉट पैचेस. नेक्स्ट अप आई हैव अ सोप. अगेन ये पहले के कोई हम शायद लास्ट ईयर वैष्णो देवी गए थे, हम ओयो के थ्रू रुके थे, तो ये उसका सोप है. दिस आर द सोप लुक्स लाइक. ये तब से रखा हुआ है. मैं सोप इतना यूज नहीं करती बिकॉज सोप को फिर वापस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. वी हैव अ टूथपेस्ट, 10 रुपीज का जो टूथपेस्ट आता है, इतना सा आप हमेशा कैरी कर सकते हो अपने पास. देन आई हैव दिस मॉइस्चराइजर, ये है बायोडर्मा का सीबीएम हाइड्रा. मैं 2 मॉइस्चराइजर लेके गई थी. एक मैं लेके गई थी ये क्लेयर्स का, मैंने जस्ट अभी इसकी वीडियो शूट करी है, सो मैंने इसको वापस डाल दिया था. बट मैंने स्पेसिफिकली यही मॉइस्चराइजर सबसे ज्यादा यूज किया है. यही मैं लेके गई थी कि मेरी अगर अल्ट्रा ड्राई हो जाती है स्किन, लाइक पहाड़ों में काफी बार ठंड होती है, बहुत ज्यादा स्किन सूख जाती है, तो मैं इसको लेके गई थी. अदरवाइज मैंने यही वाला यूज किया है. ऑलवेज कैरी सच सूदिंग एंड नरिशिंग मॉइस्चराइजर फॉर माउंटेन्स. अगर आपकी ऑयली भी स्किन है ना, ट्रस्ट मी, पहाड़ों में जो ठंड पड़ती है ना, वो आपकी स्किन को अजीब से ड्राई बना देती है, तो ऐसे मॉइस्चराइजर हमेशा कैरी किया करो. नेक्स्ट अप आई हैव माई सीरम. यह है लीवॉन का सीरम, लेकिन वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था. इसको भी मैंने रीयूज किया है. इसके अंदर मैंने अपना बायोलाज का सीरम डाला हुआ था, हाफ ही मैं डाल के लेके गई थी, विच वॉज इनफ. मेरी फ्रेंड्स ने भी यूज कर लिया था तो सबके काम आ गया था. सीरम चाहिए होता है यार पहाड़ों में, या फिर वैसे भी कहीं जाओ ना, वो पानी से बहुत अजीब बाल हो जाते हैं, सो यू नीड सीरम फॉर रिवाइवल. नेक्स्ट अप आई हैव माई रेजर. सो मैं अपने हाथों को शेव करती हूँ, मैं हाथ पे वैक्सिंग नहीं करती, और जब आप शेविंग करते हो ना, दूसरे तीसरे दिन ही वो पोकी पोकी वाले बाल आने शुरू हो जाते हैं. सो 2-3 दिन के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो तो रेजर कैरी करना इज परफेक्ट. मैं ये सोप बार वाला रेजर लेके गई थी, जस्ट स्टिक हो चुका है. मैंने लास्ट डे यूज किया था बिकॉज मेरी ग्रोथ आ गई थी. द ओनली रीजन वाई आई डोंट लाइक दिस रेजर इज दिस, मतलब ये जो सोप बार है ना, ये ऐसे गीले चिपचिप रहते हैं. आई विश इसके बाद कोई होल्डर देते जिसको आप लगा के अपना ले सकते थे या कैरी कर सकते थे. अदरवाइज आई लव दिस वन. इससे काफी अच्छी स्मूथ शेव अचीव होती है. इसी की वजह से मैं कोई शेविंग फोम नहीं लेके गई बिकॉज ये सोप बार की वजह से आपको शेविंग फोम की जरूरत नहीं होती. मैं नॉर्मल बॉडी वॉश लगाती हूँ और फिर मैंने शेव कर लिया, तो काफी ईजिली शेविंग भी हो गई थी. आप इसका एक टाइनी वाला भी आता है जिलेट का, जो मैंने स्पेसिफिकली नहीं खरीदा था, वैसे क्या एक ट्रिप के लिए लेना, बट आप वो ले सकते हो. इतना सा आता है, वैसे केस खोलो इतना सा रेजर निकलता है. आई लिंक दैट वन, यू कैन डेफिनेटली बाय इट अगर आप कॉम्पैक्ट पैकिंग कर रहे हो तो. नेक्स्ट अप वी हैव पाउडर. ये मैंने बिल्कुल निकलते वक्त लिया, जब मैं शॉप पे थोड़ा बहुत टॉफीज कैंडीज और ये सब लेने गई थी ना, मुझे दिख गया तो मैंने खरीद लिया. मैंने इसको यूज नहीं किया, आप देख सकते हो पूरा सील्ड है. पाउडर यूजली जब बिल्कुल भरी गर्मी में कहीं जाओ ना, तब आपको चाहिए होता है कि बॉडी पे रैशेस पड़ गए, इचिंग हो रही है, तो आप पाउडर डाल के फिर वुलन कपड़े भी अगर आप पहनना चाहते हो तभी भी ठीक रहता है. लेकिन इस बार सिंस हम अभी मई में गए थे, इतनी कोई प्रॉपर वाली ठंड नहीं थी कि मुझे वुलन कपड़े पहनने पड़े. ऑल्सो आप वहां पर जाके कपड़े तो धो नहीं सकते, और आपने कुछ फैंसी पहना है, उसके ऊपर कुछ गिर गया, ऑयल वाला गिर गया, तो आप फटाफट उस स्पॉट पे ना पाउडर डाल लो. ये मेरी मम्मी का हैक है जो मैं शेयर कर रही हूँ, इट इज कॉल्ड मम्मी का ज्ञान. ये मेरी मम्मी ने बताया था, कभी भी कुछ ऑयली गिर जाए कपड़ों पे, फटाफट उस एरिया में पाउडर डाल दो. वो पाउडर सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है और जल्दी आपका दाग बाद में हट जाता है. तो आप वो पाउडर डाल के उसको पैक करके रख दो, घर आके जब आप वॉश करोगे ना, वो स्टेन जल्दी हट जाएगा, उसका रिमूव होने का चांसेस बेटर होगा. तो एक 10 रुपए का पाउडर हैंडी रहता है, ऑलवेज कैरी दिस. नेक्स्ट अप वी हैव अ बॉडी वॉश. एक बॉडी वॉश मेरा पूरा वहाँ पे खत्म हो गया था, सबने यूज किया था. मैं प्लम का हवाइयन रूम्बा का छोटा ट्रायल साइज लेके गई थी, जो अगेन आपको स्मिटन पे मिल जाता है, वो पूरा खत्म हो गया था. मेरे पास एक और है, ये मैंने स्मिटन से लिया था. आई थिंक स्मिटन परफेक्ट है, जब भी आप घूमने फिरने जाओ ना, स्मिटन से शॉपिंग कर लो. मैं बहुत साल से वहाँ से शॉप कर रही हूँ. ट्रायल्स मिलते हैं ना तो आपका काम चल जाता है, छोटे छोटे आते हैं, 2-3 दिन की ट्रिप पूरी हो जाती है. ये है सेज अपोथेकरी का लैवेंडर एंड मिंट बॉडी वॉश. ये मैंने यूज नहीं किया, मैंने प्लम वाला यूज किया था, तो ये ऐसी कैसी है. ऑलवेज यूज सच बॉडी वॉशेस बिकॉज जब आप ऐसे सोप यूज कर लेते हो ना, फिर आपको ये वहाँ पे छोड़ के आना पड़ता है. आप ये सोप पैक करके नहीं रख सकते, बॉडी वॉश स्टिल आप पैक करके मतलब वापस ले जा सकते हो, तो मुझे हैंडी लगते हैं.
एंड फाइनली वी हैव अ शैम्पू के पाउचेस, बैंडेड है, यू नेवर नो वॉशरूम में कुछ हो जाए, गिर जाए, मतलब फिर भी सेफ्टी के लिए शैम्पू के मैं पाउचेस, मैं कंडीशनर के ये मैं शॉप से ले गई थी। बॉटल्स अराउंड ले जाना ना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे पाउचेस ठीक रहते हैं। ये सनसिल्क का ब्लैक मैंने रैंडमली ले लिया था, एक कंडीशनर ले लिया था डव का, आई लाइक डट यार, मैंने वहाँ पर यूज़ किया, रियली लाइक डट फॉर माई हेयर। सो ये एक एक रुपये के साथ परफेक्ट। एंड एट लास्ट आई हैव दिस वन, ये मेरे पास था स्पेक्स क्लीनिंग का सोल्यूशन, जिससे स्पेक्स आप क्लीन करते हो ना, वो पूरा खत्म हो गया था। मैंने इस जार को अच्छे से, मतलब ये स्प्रे बॉटल को अच्छे से वॉश किया, धोया, सुखाने के लिए रखा, और फिर मैंने इसमें ट्रांसफर किया मेरा डॉट एंड की का सीका टोनर। मैं आजकल वो टोनर यूज कर रही हूँ, आई लव इट, वो बहुत अच्छे से सारे जो डस्ट और गंक होता है ना उसको रिमूव कर देता है। बिकॉज मैं वहां पर ऑयल क्लेंजर नहीं लेके गई, और ऑयल क्लेंजिंग ना करूँ ना तो स्किन से वो हटता नहीं है मेकअप एंड ऑल, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले यूज किया बायोडर्मा, इससे सारा हटाया जो भी हटाना था, फिर फेस वॉश कर लिया, और फिर इसी टोनर को कॉटन पैड पे लगा के यूज किया, तो जितना भी और जो बचा हुआ गंक था वो भी इससे निकल गया। ये ट्रांसपेरेंट है, ये वो डॉट एंड की बॉटल में ना ग्रीन दिखता है बिकॉज वो बॉटल ग्रीन है, लेकिन ये ग्रीन नहीं है, ये एकदम ट्रांसपेरेंट है। और ये स्प्रे बॉटल है ना तो स्प्रे करना भी काफी ईजी है, हाइड्रेशन के लिए भी एकदम परफेक्ट रहता है। आई ऑल्सो हैव अ परफ्यूम, वॉशरूम में ऑब्वियसली जब नहा लोगे तो थोड़ा बहुत परफ्यूम भी लगाना चाहिए। यह न्यू यू का परफ्यूम, न्यू यू के काफी स्टोर है, मॉल में आप जा सकते हो, आपको वहां पे उनके बिलिंग काउंटर पे परफ्यूम दिख जाएंगे। ये उसका ग्रीन वेरियंट विच आई लाइक, इसका भी सिट्रसी थोड़ा सा मीठा सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस है, मुझे इतनी नहीं पसंद, तो मुझे जो कम पसंद है ना मैं इसे ट्रैवल बैग में डाल देती हूँ, ताकि कभी भी कहीं जाओ तो काम आ जाते हैं। और हमारा टॉयलेट्रीज का पाउच खत्म हो चुका है, लेट्स डाइव इनटू द मेकअप पाउच बिकॉज ये है मेरा फेवरेट पार्ट। सो मैंने ये लिया है बाय द वे अली एक्सप्रेस या फिर क्लब फैक्ट्री से, आई डोंट रिमेंबर, अब ऑब्वियसली दोनों वेबसाइट्स अवेलेबल नहीं है, आप नहीं शॉप कर सकते। सो ये मैंने सेम अमेजोन पर अभी देखा है, मैंने जस्ट अभी सर्च किया, अमेजोन पे डिट्टो मिल रहे हैं। आई लव द फैक्ट ये स्पेशियस है, मतलब बहुत बड़ा ये पाउच है, प्लस वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पाउच इज ये ऐसे खुलता है, ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर्म में खुल जाता है, यहाँ पे वायर है चारों तरफ ना, तो ऐसे ये ऐसे स्टे करता है खुलकर। सो काफी इजी होता है, यू कैन सी ऐसे में सामान ढूंढना इज मच इजियर देन इसमें सामान ढूंढना, बिकॉज यहाँ पर ऐसे बहुत हॉच पॉच हो जाता है। सो इसलिए मुझे मेकअप के लिए काफी सही लगा, आई कैन ईजिली फाइंड थिंग्स, इसको कहीं भी रख दो और आप अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो, आपको सब कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। सो इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, सबसे पहले मेरे हाथ में आया है ये मैंने आई थिंक आपको समर हॉल में दिखाया था अमेजोन के, ये संदीवा का SPF टॉप अप लूज पाउडर, इसके अंदर प्योर सैंडलवुड डस्ट है विद जिंक ऑक्साइड, SPF 30 प्लस विद PA 4 टाइम प्लस, तो ये नॉर्मल लूज पाउडर नहीं है, इसमें अभी मिरर भी है जो काफी डर्टी हो चुका है। ये है बेसिकली एक SPF लूज पाउडर, आई डोंट लाइक द पैकेजिंग बिकॉज आप देख सकते हो सारा पाउडर पफ पर भी आ चुका है, और पफ से लगाना इम्पॉसिबल है। सो मैं क्या करती हूँ, उसके साथ मैंने ये ब्रश कैरी किया था, ये मैंने क्लब फैक्ट्री या कहीं से बहुत पहले लिया था, आपको ऐसे ब्रशेज अमेजोन पे भी मिल जाएंगे, सो आई जस्ट डिप इट इन और ऐसे रिटच कर लेती हूँ। इसको मैंने इसमें भी रखा है बिकॉज मैं एज अ लूज पाउडर यूज करती हूँ, और जब मैं निकलती थी ना कहीं भी घूमने के लिए मैं इसको बैकपैक में डाल लेती थी, तो वॉशरूम में जाकर मैं कहीं पर भी इसको रिटच कर लेती थी बिकॉज इसमें SPF है, तो कहीं से थोड़ी सी SPF की एक लेयर आपके फेस पे बन जाती है अगर आप रीअप्लाई नहीं कर सकते। मेरे पास वो रीअप्लीकेशन की ना स्टिक नहीं थी जो मैं डेफिनेटली फ्यूचर में लेने वाली हूँ, सो ये मुझे थोड़ा सा हैंडी लगा, एटलीस्ट थोड़ी सी एक और लेयर आपकी बन जाती है आफ्टर 2-3 आवर्स जो आपने SPF लगाई होती है। सो दिस इज नंबर वन थिंग, आई लाइक इट, काफी अच्छे से स्किन को मैट भी बना देता है, जो एक्सेसिव ऑयलीनेस होती है उसको कंट्रोल करता है। सो फॉर द प्राइस पॉइंट आप ये ले सकते हो, मेरे पास बाय द वे शेड है 1111 आई गेस, इसमें शेड्स भी आते हैं, सो वो आप देख लेना। सेकंड आई हैव दिस फिट मी की ट्यूब, सो मुझे सुपर स्टे पसंद है, मेबलिन का सुपर स्टे जो आता है, लेकिन वो ग्लास बॉटल है, मैं ग्लास बॉटल्स नहीं कैरी करती ट्रिप पे, कुछ भी हो सकता है, टूट सकती है, गिर सकती है, मेकअप करते टाइम स्पिल हो सकता है, सो मुझे ये ट्यूब बेटर लगती है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी कवरेज ठीक ठाक है, मैं ट्रिप्स पर फुल कवरेज मेकअप नहीं करती बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल, इतना हैवी केकी वाला फुल कवरेज जो मेकअप होता है ना आप नहीं कर सकते, थोड़े बहुत एक्ने मार्क्स देखो विजिबल होंगे ही होंगे, आई डोंट केयर, मेरा सारा ध्यान माउंटेन की ट्रिप पर था। सो मैंने फिर भी एक रख लिया था थोड़ा बहुत कवरेज अटेन करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं यूज किया, शो यू व्हाट आई यूज, मैं भी दिखा देती हूँ। सो मैंने क्या किया, मेरे पास मैं काफी लेंसेज पहनती हूँ, जितनी बार भी आप शॉप पर जाके लेंसेज लोगे या फिर आप लेंस के सोल्यूशन भी लेते हो ना, उसमें ये डब्बी आपको फ्री मिलती है, लेंसेज का एक केस होता है, अगर आपको नहीं पता आप लेंसेज नहीं पहनते, आपको ये डब्बी मिलती है जिसपे लेफ्ट राइट ऐसे लिखा होता है। सो ये काफी सारी है मेरे पास, सो मैं इनको ट्रैवलिंग के टाइम यूज करती हूँ, किसी में प्राइमर डाल देती हूँ, किसी में कोई ग्लू एल्यूमिनेटर चाहिए होता है कभी कोई, अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहे हो ना तो ये काफी हैंडी है, अपना सारा मेकअप 2-3 पंप करके इसमें डाल सकते हो। सो मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक साइड डाला इसमें मेबलिन का सुपर स्टे, लाइक जिस दिन मुझे फुल कवरेज मेकअप करने का मन हो, ये मैंने नहीं यूज किया, मैंने ट्रिप पर यूज किया था मिलानी का फाउंडेशन, बिकॉज ये जो फाउंडेशन है ना ये थोड़ा सा डार्क है, आप देख सकते हो, ये मेरी डार्क स्पॉट्स को बहुत अच्छे से कंसील कर देता है, लाइक डार्क स्पॉट्स के ऊपर जब मैं लगाती हूँ तो वो अजीब से व्हाइट नहीं दिखते, बिकॉज अगर आपको लाइटर फाउंडेशन लगाओगे तो वो एरिया और शाइन करता है, तो मुझे मिलानी का फाउंडेशन ही अच्छा लगता है, फुल कवरेज है, तो मैंने इसी को क्या किया, नॉर्मल जो भी प्राइमर सनस्क्रीन
रेटिनॉल लगा के डार्क स्पॉट्स पर ही अप्लाई किया, ज्यादा पूरे फेस पर नहीं लगाया, सो दैट एक लाइट कवरेज वाला मेरा मेकअप हो जाए. सो आई यूज दिस वन. सनस्क्रीन के लिए मैंने यूज की थी ये रिक्वल की शियर जिंक टिंटेड सनस्क्रीन. ये टिंटेड है बेसिकली, मैंने ऑलरेडी फीचर कर दिया है. मैंने वीडियो बनाई थी बेस्ट फिजिकल सनस्क्रीन के ऊपर, आप जाकर देख सकते हो. ये एक 100% फिजिकल सनस्क्रीन है जो टिंटेड है. इसमें एक पिंक कलर का टिंट है, मतलब इट्स नॉट दैट ऑरेंज, पिंक अंडरटोन का एक हल्का सा पीच पिंक होता है ना, वैसे अंडरटोन का एक टिंट है इसमें, जो बहुत अच्छे से मेरी स्किन पे कवर करता है. मेरे को व्हाइट कास्ट नहीं देता बिकॉज मैं सनस्क्रीन काफी भर के लगाती हूँ. मैंने इसको तीनों दिन बहुत सारी लगाई, आप देख सकते हो बिल्कुल न्यू सनस्क्रीन को मैंने निचोड़ दिया बिकॉज मैंने बहुत सारी लगाई थी. और इससे एक अच्छी कवरेज आ जाती है, जितनी मेरे एक्ने मार्क्स और जो डार्कनेस होती है, जो रेडनेस होती है, उसको थोड़ा बहुत कंसील कर देता है. मैं ऐसा नहीं बोलूंगी मेकअप है, लेकिन उसको थोड़ा सा टेम डाउन कर देता है. सो आई लाइक इट. और ये मैट है, मिनरल सनस्क्रीन है, यूवी है, यूवीबी और इंफ्रा रेड प्रोटेक्शन भी देती है. आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर सेल आए ना तो ये लेना, बहुत अच्छी है ये. देन नेक्स्ट अप आई कैरीड दिस कीरो का हाइलाइटर, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं लास्ट मिनट पे सोच रही थी रखूं ना रखूं, फिर इसमें स्पेस थी ना तो मैंने टक करके डाल दिया. मतलब चलो ठीक है, रिग्रेट करने से अच्छा रख ही लेती हूं. वैसे मैं इतना कोई पैलेट एंड ऑल नहीं कैरी करती. आई लव दिस वन. ये कीरो का 01 सैंडी रोज एंड पर्ली ब्रोंज हाइलाइटर, आप यहां पढ़ सकते हो इसका नेम. सो इसमें बेसिकली दो है, आपको प्रोमिनेंटली इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें दो हाइलाइटर है, थोड़ा सा डार्क है, एक हल्का सा लाइट है. ये ब्रोंज लुक के लिए बहुत सही है. जब पहाड़ों में जाते हो, आपको एक सन किस्ड वाली लुक चाहिए होती है ना, तो मुझे ये हाइलाइटर काफी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ग्लो देता है. लेकिन मैंने इसको इतना नहीं यूज किया. आई यूज दिस डिसगाइज की स्टिक. ये मेरे किसी फैब बैग में आई थी आई गेस. ये डिसगाइज की स्टिक है जो मल्टी यूज स्टिक है, आप इसको एज अ हाइलाइटर, आई शेडो कैसे भी यूज कर सकते हो. बहुत अब आई ओके, थोड़ी सी सॉलिडिफाई हो गई है पहाड़ों से आके मुझे लग रहा है. सो यू कैन सी हल्की सी एक शाइन आपको पता चलेगी, बिल्कुल भी चंकी नहीं लगता, हैवी नहीं लगता. सो अगर आप कुछ नेचुरल मेकअप देख रहे हो ना, ये डिसगाइज की स्टिक आप ले सकते हो. इसका मुझे शेड 63 का शेड है, आप इसको आईज पर यूज कर सकते हो. हाई पॉइंट्स पे या गुड टू गो अलग से आई शेडो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती. मैं लेके गई थी सैरी की आई शेडो स्टिक, ऐसी मैंने डाली ब्लू कलर की थी, आई थॉट मेरे डेनिम्स एंड ऑन के साथ चल जाएगी. लेकिन जिस दिन मैंने बर्थडे के लिए एक ड्रेस रखी थी, मेरी फ्रेंड्स ने बोला था कि सब एक एक ड्रेस रखेंगे. मुझे पता नहीं था कि रूम में ऐसा कुछ भी होने वाला है, बट मेरी फ्रेंड्स ने बोला था कि एक ड्रेस रखेंगे हम रूम में, ऐसे थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लेंगे. तो मैंने अपनी जारा वाली सैटन ड्रेस रखी थी, तो उसका मेरे पास क्लोज मैच नहीं था, लेकिन ये ब्लू कलर मुझे सही लगा. सो इंस्टेड ऑफ कैरिंग आई शेडो पैलेट, मैंने ये सैरी की स्टिक रख ली. मैंने अभी मंथली फेवरेट में भी आपको दिखाई थी, काफी सही है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, इजी टू यूज है, ट्रैवलिंग के टाइम भी सेफ रहती है. हल्का सा लगाया, स्मच कर लिया, एंड यू आर गुड टू गो. इसका शेड है E4 डेनिम, ये भी आप ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट अप आई कैरीड दीज पॉट्स. मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम स्टोरीज भी डाली थी, मुझे बहुत सारे इनके शेड्स आए थे. लव अर्थ ने मुझे PR भेजा था, सो मैं इनके दो पॉट्स लेके गई थी. ये है मल्टी पॉट लिप चीक एंड आईलेट्स के. सबसे पहले मैं लेके गई थी ये वाला शेड, जो है हल्का सा पर्पल दिखता है लेकिन इतना है नहीं है, अंदर से आप देख सकते हो. इसका नेम है किस एंड टेल. मुझे ये काफी अच्छा लगता है, इसका बहुत अच्छा एक वार्म अंडरटोन है. इसी को मैं लिप्स पर भी यूज कर लेती हूँ अपनी, एकदम माइल्ड लिप्स, बट बेटर वाला शेड इसका आता है. सी हाउ पिगमेंटेड इट इज, और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है. आई लव दिस वन. इसी को मैंने तीनों दिन यूज किया है, बट मैं इसका एक और शेड लेके गई थी इनकेस मुझे थोड़ा सा और पिंकी पिंकी चाहिए हो. ये मैं लेके गई थी बी द चेंज. ये थोड़ा सा ब्राइट पिंक सॉर्ट ऑफ कलर है, आप देख सकते हो दिस ऑफ द कलर लुक्स लाइक. ये वाला मुझे नहीं पता, ये फाउंडेशन फिर भी स्मूथ थी, ये वाली फाउंडेशन वहां पर जाती बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी, मतलब लगाना ही मुश्किल था. अभी मैं काफी ज्यादा डिप कर रही हूं, अब तो ऑब्वियसली यहां गर्मी में, दिल्ली की गर्मी में थोड़ी सी मेल्ट हो चुकी है, बट दिस आउट लुक्स लाइक. दीज मल्टी पॉट्स आर एक्चुअली गुड. आई रिमेंबर ये मुझे इंस्टाग्राम पे इन्होंने DM किया था, मैंने रिप्लाई नहीं किया था इनिशियली, लेकिन जब मैंने श्रेया जैन की स्टोरीज देखी ना, उन्होंने काफी बार इसको फीचर भी किया, लाइक आई हैव टू ट्राई इट, सो आई एग्रीड. उन्होंने मुझे सारे शेड्स PR में भेजे, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मुझे बहुत अच्छे लगे इनके शेड्स सारे का स्वॉच आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख सकते हो. मैंने हाइलाइट कर दिया, एक PR की हाइलाइट आप आचा देखा वहाँ पे, मैंने इनके सारे जो मेन जो मेरे फेवरेट शेड्स हैं उनको स्वॉच किया था, आप ले सकते हो. आई लव देम. आईज पर लगा लो, लिप्स पर लगा लो, चीक्स पर लगा लो, आप इसको अपने स्लिंग बैग में भी कैरी कर सकते हो, अगर आपको रिटच करना होता है तो काफी कन्वीनियंट रहता है. रियली नाइस. लिपस्टिक में आई कैरी दी, सबसे पहले मेबलिन की मैंने अल्टी मैट कैरी करी थी. ये मोर ब्लश जो मेरा सबसे फेवरेट शेड है, आई थिंक इट इज वेरी वर्सेटाइल. लाइक मोर ब्लश जो है ना, सारे आउटफिट के साथ ये शेड जाता है. लुक एट दिस, इतना प्यारा प्रिटी पिंक के कलर है ना, ये सारे आउटफिट के साथ शेड जाता है. सो इसलिए मैंने कैरी किया था. ऑल्सो वेरी स्लीक, इसकी बुलेट भी काफी पतली है ना, तो मेरे लिप्स भी अच्छे से इससे लाइन हो जाते हैं. सेकंड आई कैरी दिस जैकलिन की मैट अबाउट मैट, जो मुझे अच्छी लगती है. मैं लिप्स को चैप नहीं करती, मैंने इसको इतना यूज नहीं किया, आई थिंक मैंने एक ही दिन लगाया था, बट आई रियली लाइक दिस.
So this is how the shade looks like. Iska naam hai Nude Streak. This is one of my favorite liquid lipsticks. Maine isko multiple times feature kiya hai. Lips ko chap nahi karti, crack nahi karti. Staying okay hai. Itni koi zyada long lasting nahi hai. But at least mere lips isse crack nahi hote, isliye mujhe achhi lagti hai ye. Next up I carried this Fit Me ka concealer in the shade 20 Sand. Ye 20 Sand ka new concealer main us time leke gayi thi. Just in case mujhe highlighting and all karni ho, because ye thoda sa light hai. Iska name Sand hai. लेकिन ये थोड़ा सा हेयर लाइट्स आप देख सकते हो, तो हाइलाइटिंग के लिए ठीक रहता है. लेकिन मैंने ऐसा मेकअप ना किया नहीं वहाँ पे, मैंने वो हाइलाइटिंग वाला थोड़ा सा और कंसीलिंग वाला मेकअप मैंने वहाँ पे नहीं किया. मैंने काफ़ी चीज़ें लाइट रखी थी, सो आई डोंट यूज दिस. आई कैरीड अनदर कंसीलर, आई डेफिनेटली ओवर पैक, लेकिन मैंने रख लिया था. सो ये के ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 140Y मीडियम. सो ये जो 140Y मीडियम शेड है ना, ये हल्का सा येलो अंडरटोन का कंसीलर है. तो अगर फुल कवरेज मेकअप करना हो, कि मैं पहले एक्ने मार्क्स को थोड़ा सा कंसील करना चाहती हूँ, फिर फाउंडेशन लगाना चाहती हूँ, उसके लिए कंसीलर काफ़ी अच्छा है. वो मैंने वहाँ पे नहीं किया, तो अगेन मेरे यूज़ का नहीं था. इट इज़ अ वेरी नाइस कंसीलर. अगर आपकी मेरा जैसा स्किन टोन है ना, ये लेना. ये बहुत अच्छे से ना जितने भी एक्ने मार्क्स एंड ऑल होते हैं उसको कंसील कर देता है. आई डोंट नो हाउ मच माई कैमरा इज कैप्चरिंग, मैंने काफ़ी गलत जगह लगा दिया, बट यू कैन सी यहाँ पर एक स्पॉट था, आप देख सकते हो उस स्पॉट को इसने काफ़ी अच्छे से कंसील कर दिया. तो ये भी काफ़ी सही है. आप अपने शेड का एग्जैक्ट शेड का जो आपके डार्क स्पॉट्स और स्किन का थोड़ा सा न्यूट्रल कर देना, वैसे शेड का आप कंसीलर ले जा सकते हो, उसको अप्लाई करो एंड यू आर गुड टू गो. नेक्स्ट अप आई कैरी दीज. आपको बताओ, मैं नायका से रिसेंटली नायका का हॉल बनाया था, तो मैंने ये खरीदे थे 149 के. मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, बहुत छोटा इनका साइज आया. सो आई थिंक ये ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट है. मैंने ये प्राइमर एक दिन यूज़ किया था, बट क्या हुआ, मैं जब भर के सनस्क्रीन लगाती हूँ ना, और ये भी सिलिकॉन सनस्क्रीन है, ये ऑलरेडी आपको एक प्राइमर का इफेक्ट देती है, तो आप प्राइमर ना भी लगाओ चल जाता है. बट स्टिल मैंने एक दिन ये लगा लिया था इसके ऊपर, और ये सारा सनस्क्रीन जो थी ना वो पाइल अप होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने इसको फिर यूज़ नहीं किया. ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, आई थिंक आप सनस्क्रीन के ऊपर यूज़ करोगे ना, ये थोड़ा सा पाइलिंग दे रहा था, सो आई डोंट यूज़ इट. नेक्स्ट अप आई हैव दिस नायका की स्किन जीनियस फाउंडेशन. ये भी मैंने रख लिया, लेकिन मैं इतना कोई यूज़ नहीं किया. आई थिंक ये मुझे अपने बैकपैक में डालना चाहिए था. मैं अपने बैकपैक में ना कोई भी फाउंडेशन और डालना भूल गई, तो मुझे रीटच करना, मुझे थोड़ा सा मेकअप और दोबारा रीटच करना है, थोड़ा सा हट गया है, तो उसके लिए आई थिंक ये मुझे अपने बैकपैक में रखना चाहिए था. ऑलमोस्ट अब खाली होने वाला है. सो इसमें साइड में ना पॉकेट्स हैं, लाइक इस साइड भी आपको दो पॉकेट, एक पॉकेट मिलती है, इस साइड भी आपको एक पॉकेट मिलती है. तो एक पॉकेट की साइड पर मैंने थोड़ा सा ऐसे स्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स डाल दिए थे. सबसे पहले मैंने ये बॉब पिन्स में लिखी गई थी, आई डोंट नो स्टाइलिंग एंड ऑल के लिए, जो मैंने कुछ भी नहीं किया. आई एम वर्स्ट एट हेयर स्टाइलिंग, मैं ऐसी बाल को लेकर के चली जाती हूँ. सो नेक्स्ट अप मेरे पास है ये डर्मोलॉजिका का स्किन स्मूथनिंग क्रीम. कोई भी ऐसे आपको सैंपल्स मिलते हैं ना, मैं आपको कशिका हैक देती हूँ. अगर आप रेगुलरली ट्रैवल करते हो ना, ऐसे पाउच को बना के रखो, और मतलब अलमीरा में ही रखो, और कभी भी आपको ऐसे सैंपल्स मिले या छोटे ऐसे ट्रायल की ट्यूब्स मिलती है ना, आते ही इसमें डाल दो. तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रिप पे जाते हो ना, आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी उसके अंदर होता है. मेक श्योर ये एक्सपायर ना हो. अगर आप बहुत लंबे टाइम पर ट्रिप पर जाओगे तो ऑब्वियसली चीज़ें एक्सपायर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप साथ के साथ डाल दोगे ना, तो सही रहती है. ये भी एक सैंपल था, मैंने यूज नहीं किया. नेक्स्ट अप मैंने कैरी किया था ब्रश. अगेन मुझे क्या लग रहा था कि मैं फैंसी मेकअप करने वाली हूँ, यहाँ नहीं यूज किया, बट स्टिल मैंने एक आई शेडो के लिए यूज कर लिया था, अगर ब्रश चाहिए हो तो. देन ये बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया था पूरी ट्रिप पे. तीनों दिन मैंने कोई भी आई शेडो एंड ऑल इतनी नहीं करी, खाली नीचे काजल लगाया और ये लगाया मस्कारा. मेरे पास सबसे छोटा जो मस्कारा था ना, जो सबसे कम स्पेस लेता है, वो यही था. ये है द बांग का मैड लैश ब्लैक मस्कारा. दिस इज ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक, एंड ओ माई गॉड, इसने इतनी सही लेंथ दिया ना मेरी लैशेज को. मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्रिप पर यूज़ किया. सी इसका जो ये साइज है, कितना छोटू सा है, बट इसकी वॉन्ड एकदम परफेक्ट है. जो वॉन्ड इसकी फुल साइज वाले मस्कारा जितनी है, वॉन्ड इसकी छोटी नहीं है. ऐसे कन्वेक्स और कॉन केव आपको ऐसे साइड मिलती है, तो इजीली आप ऊपर की तरफ नीचे की तरफ यूज कर सकते हो. बड़ा सही था यार, आई थिंक डेफिनेटली अ मस्ट हैव. अगर नायका पे सेल आएगी ना, ये द बाम का मस्कारा ट्राई करना, यू विल लव इट. देन वी हैव अ सैनिटाइजर इन केस मैं इधर उधर बैठ के मेकअप कर रही हूँ, मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, वॉशरूम ऑक्यूपाइड होता है, तो एक सैनिटाइजर ठीक रहता है. सैनिटाइजर यूज करो एंड मेकअप कर लो. नेक्स्ट अप आई हैव दीज आई मेकअप प्रोडक्ट. सबसे पहले है मेबलिन का टैटू स्टूडियो स्मोकी जेल लाइनर पेंसिल. दिस इज वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग. अगर आप कोई पूरे दिन का ट्रिप करने वाले हो, कोई हॉट ह्यूमिड वेदर में जाने वाले हो, ये वाला ट्राई करना. मैंने इनके साथ एक स्पॉन्सर्ड इंटीग्रेशन वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें फीचर किया था. ये बेसिकली काजल ही है, ऐसे आपको ट्विस्टिंग फॉर्म में मिलता है. आप इसको एज आई लाइनर भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ये जेल फॉर्मुलेशन है, और पीछे आपको ये स्मजर मिलता है. तो अगर आपको थोड़ा सा, ये मैंने शार्पनर निकाल दिया, इसमें शार्पनर भी है, लेकिन ये स्मजर आपको मिलता है. तो अगर आप थोड़ा सा स्मज करके स्मोकी आइज बनाना चाहते हो, यू कैन डू इट. तो एक वन एंड डन सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट है, जो आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हो. आई लाइनर के लिए मैंने सेम रेंज का ही मेबलिन टैटू का लाइन स्टूडियो आई लाइनर पेन कैरी किया था, बिकॉज ये पेन वाले एकदम सही रहते हैं. जस्ट लुक एट दिस वन सिंगल स्ट्रोक में भी इसने कितनी अच्छी इंटेंसिटी दी है. और पेन वाले सेफ रहते हैं, बिकॉज ये स्पिल नहीं होते, इधर उधर लगने का चांस नहीं होता. काफ़ी बार वो डब्बी वाला ना खुल जाता है. सो आई लाइक इट. दो मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने उस दिन कोई भी विंग लाइनर, तीनों दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली मस्कारा लगाया, एंड दैट्स इट.
सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद इट. मैंने एक और चीज़ कैरी करी थी वो है ये रेजर. मैंने आईब्रोज वगैरह ग्रूम करने के लिए कैरी किया था जो मैंने बिल्कुल ग्रूम नहीं करी बिकॉज टाइम ही नहीं मिलता है. जब आप ऐसे लग्जरी वाली ट्रिप करते हो तो आपको टाइम मिल जाता है ये सब चीज़ें करने का. हमने थोड़ा सा ट्रैकिंग वाली घूमने फिरने वाली ट्रिप करी थी तो इतना कोई टाइम नहीं था. बट स्टिल आई थिंक अगर आप एक आईब्रो रेजर कैरी कर लोगे तो सही रहेगा. थोड़ा बहुत ग्रूमिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहती है ये. सैनफी की ऐसे प्रोटेक्टिव लिड के साथ आती है तो एकदम बढ़िया रहता है. एंड एट लास्ट वी हैव कॉम्पैक्ट फ्रॉम के ब्यूटी जो मुझे नहीं पता मैंने क्यों रखा था. मैंने वो संदीवा वाला यूज़ किया था SPF वाला बट ये कॉम्पैक्ट है. एंड दैट्स इट एंड वी आर डन विद इट. हमारा पूरा पाउच खाली हो चुका है. मैंने जो भी प्रोडक्ट्स की बात करी है सबके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे. अनदर थिंग मैं ये वाला जो टॉल्ट्री वाला पाउच होता है ना इसके अंदर मैं सैनिटरी नैपकिन्स भी डालती हूँ. एक मैं बड़ा साइज डालती हूँ, एक पैंटी लाइनर डालती हूँ. कशी का ज्ञान मैं देना चाहती हूँ, कभी भी आप ट्रिप पर जाओ हमेशा एक बिग साइज पैड और पैंटी लाइनर भी कैरी करो अगर आपकी डेट है तो. अगर आप श्योर नहीं हो एटलीस्ट आप पैंटी लाइनर लगा सकते हो अगर आप स्टेन से बचना चाहते हो तो. तो मुझे वहाँ पर जाके पीरियड हो गए थे लिटरली. मैं ट्रैकिंग में टॉप पर गई, मुझे पीरियड हो गए. मैंने अपने बैकपैक में भी सैनिटरी नैपकिन रखे थे तो मैंने वो भी यूज़ कर लिए थे, इसके भी यूज़ कर लिए थे, इसलिए सारे फिनिश हो गए. बट ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा वंस. बाय द वे अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैं बैकपैक में क्या कैरी करती हूँ बिकॉज इस बार हम सॉर्ट ऑफ छोटी मोटी हमने ट्रैकिंग करी थी तो बैकपैक में भी मैंने उसके हिसाब से चीज़ें डाली थी जो चाहिए होती हैं. और ट्रिप से आने के मतलब ट्रिप एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लगा कि ये सब और भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो आपको ट्रिप पर चाहिए. तो अगर आप उसकी सेपरेट वीडियो चाहते हो लेट मी नो, आई विल मेक फॉर यू. बट दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आई होप यू वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी. हम सब ट्रिप पर जाते हैं कंफ्यूज होते हैं क्या डालें क्या ना डालें, तो इसलिए मैंने वीडियो शूट कर ली कि अनपैक करने से पहले शेयर कर लेती हूँ रियल टाइम मैंने इस बार क्या कैरी किया. हिमाचल का जो मैं तीर्थन और जीबी गई थी उसका व्लॉग मैंने कोशिश करी. आई एम नॉट गुड एट व्लॉगिंग, यू गाइस नो, मैं सेट एंड टॉक वीडियोज बनाती हूँ बट मैंने फिर भी कोशिश करी है थोड़ा बहुत स्निपेट्स लेने की. तो अगर व्लॉग बन सका तो व्लॉग डेफिनेटली आने वाला है. उसके लिए वेट करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को हिट कर दो. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.